रुई की तरह बिल्कुल सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाले इस दही भल्ले की रेसिपी आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों ने मेरी इसके पहले की वीडियो जरूर देखी होगी जो कि मैंने इमरती की रेसिपी डाली थी और बताया था कि एक ही बैटर से मैंने इमरती और दही भल्ले दोनों बनाए हैं। तो जैसे ही उस वीडियो में बताया है उसे मैं शॉर्ट में यहाँ पर दिखा दे रही हूँ। उड़द की दाल को ओवरनाइट भिगोने के बाद उसे बारीक ग्राइंड करना है और फिर छन्नी से छान लेना है ताकि कोई भी दाल का टुकड़ा ना रहे। इसके बाद 5 मिनट तक इसे हाथों से फेंटेंगे और यह बिल्कुल फ्लफी हो जाएगा तो पानी में डालकर हम चेक करेंगे। अगर ये पानी के ऊपर फ्लोट करने लगे मतलब कि बैटर हमारा रेडी है। इसी बैटर से मैंने इमरती भी बनाई थी और इसी बैटर से मैं दही भल्ले भी बनाऊंगी जो कि बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। तो इसके लिए पानी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़े से पानी में नमक और हींग मिलाकर रखा है, बाद में इसे हल्का गर्म करके हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसे मिक्स करके अभी साइड में रख देते हैं और चलते हैं दही भल्ले बनाने की तरफ। तो आधा बैटर से मैंने इमरती बनाया था और ये आधा बैटर बचा हुआ है, इसका दही भल्ला बनाऊंगी। तो छोटे छोटे भल्ले मीडियम फ्लेम पर हमें फ्राई करने हैं। तेल जब मीडियम हॉट गर्म रहे उसी समय डालना है और मीडियम गरम तेल में मीडियम फ्लेम पर ही सभी भल्लों को फ्राई करेंगे और आप अभी देखेंगे मैजिक क्या होगा। तो वीडियो पर बने रहें, आपको इसके बाद का प्रोसेस देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पर जितना ऑयल में आराम से आ जाए उतने भल्ले हम डाल देंगे। छोटे छोटे भल्ले फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छे से फ्राई होता है और अंदर तक अच्छे से सिकता है। अब देखिए मैजिक स्टार्ट हो गया, भल्ले खुद ब खुद पलट रहे हैं, मैंने टच भी नहीं किया है और जो थोड़ा फ्राई हो जा रहा है एक साइड से वो खुद ही फ्लिप हो जा रहा है, देखा आपने। तो इस तरह से सारे भल्ले खुद ब खुद पलट जाएंगे। अगर कोई नहीं पलटता है तो आप हल्का सा टच करेंगे तो वो पलट जाएगा। तो बैटर अगर सही से बना हो और उसे बहुत अच्छे से फ्राई करें पूरे स्टेप्स के साथ तो भल्ले बहुत सॉफ्ट बनते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि भल्लों को फ्राई करते समय तेल मीडियम गर्म होगा और फ्लेम भी हमें मीडियम पर ही रखना है, हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं फ्राई करना है। तो सभी भल्लों को हम उलट पलट करके गोल्डन होने तक सेकेंगे और जब ये भल्ले पलटना शुरू हो जाते हैं तो काफ़ी जगह भी बन जाता है तेल में, तो जितना जगह बनते जाए उसमें छोटे छोटे भल्ले डाल सकते हैं। इस तरह से काफ़ी सारे भल्ले एक साथ तैयार हो जाते हैं। मैंने जितना बैटर रखा था उसका 2 बार में भल्ला बनकर तैयार हो गया और ये क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब 6 से 7 लोगों के लिए पर्याप्त हो जाती है। तो सिर्फ 1 कटोरी दाल से बहुत सारी इमरती और बहुत सारे भल्ले भी बन जाते हैं। तो ये भल्ले हो चुके हैं, इन्हें हम अभी निकाल लेंगे। बिल्कुल गर्म भल्लों को पानी में नहीं डालना है, जब टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा तब हम इन्हें पानी में सोक करेंगे। तो इस तरह से सारे भल्ले हम फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो भल्ले भी यहाँ पर ठंडे हो चुके हैं थोड़े से, तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे भल्ले बने, अंदर तक बिल्कुल सॉफ्ट और जालीदार। और पानी भी यहाँ पर हल्का गर्म मैंने लिया है, गर्म कर लिया है पानी को, और भल्ले भी हल्के गर्म हैं। तो पानी में हम डिप करके 15 मिनट के लिए सिर्फ रखेंगे, ज़्यादा देर डिप नहीं करना है क्योंकि भल्ले बहुत ही सॉफ्ट हैं तो बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाएंगे। तो 15 मिनट तक सोक करने के बाद हम पानी से निकाल कर इसे सर्व करेंगे। और जो बचे हुए भल्ले हैं उन्हें हम फ्रीज भी कर सकते हैं, तो एयर टाइट डब्बे में पूरी तरह ठंडे भल्लों को डालकर आप 1 महीने तक फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। जब यूज़ करना हो तो निकाल कर रूम टेम्परेचर पर ले आएँ और फिर गर्म पानी में डुबोकर आप भल्ले सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर पानी सोख हो चुका है, भल्लों को हल्के हाथों से निचोड़कर हम प्लेट में डालेंगे। इसके ऊपर फेंटी हुई गाढ़ी दही और जो मसाले आप डालना चाहते हैं, जो भी चटनी डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। दही में चाहे तो थोड़ी सी शक्कर मिक्स करके डाल सकते हैं, या मीठा पसंद नहीं करते तो ऐसे ही डाल सकते हैं। तो मैंने नमक, काला नमक, जीरा, लाल मिर्च पाउडर और इमली की मीठी चटनी डाली है और ये लाजवाब से दही भल्ले बनकर तैयार हैं। बहुत ही कम मेहनत में 2 फेस्टिवल की रेसिपी बन जाती है उड़द के दाल से।
तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू एंड टेक केयर।